विदेट अंडर सेक्शन 87A. The rebate is available to the assessee from the income tax lowest of the following. Achha. Subject to following condition. Subject to the following condition. Number one, must be assessee must be an individual. ये किसको मिलेगा? Assessee must be individual. Number two, his total income is less than is not exceeding ₹5 lakh. अभी इसको ये डिडक्शन मिलेगा. वो इंडिविजुअल होगा मतलब इफ यू हैव फार्म, इसको ये रिबेट नहीं मिलता है. हिज टोटल इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 5 lakh. लिमिट ऑफ रिबेट, कितना रिबेट आपको मिल सकता है? लोएस्ट वन, लोएस्ट वन, नंबर वन बोलो ₹12,500. नंबर टू 100% ऑफ टैक्स पेबल. नोट फॉर एग्जाम, rebate is not applicable ना. ये झमेला मैं आप लोगों के सामने नहीं डिस्कस करूंगा बिकॉज ओरिजिनली तो डिस्कस नहीं किया, ये क्यों दिखाऊंगा. चलिए सर, रिबेट मतलब, सॉरी सर, रिबेट मतलब, रिबेट मतलब छूट. ये छूट इनकम से नहीं, ये छूट टैक्स से है, टैक्स पेबल से छूट है. सर इसको डिडक्शन क्यों नहीं लिखा था? ना ना, ये डिडक्शन इनकम से होता है. टैक्स से अगर इनकम से माइनस छूट देते हो तो उसका नाम होता है डिडक्शन. टैक्स से कुछ माइनस करते हो तो उसका नाम होता है रिबेट. याद रहेगा वर्ड? इनकम से कुछ माइनस करते हो, इनकम होने के बाद कुछ माइनस करते हो तो रिबेट डिडक्शन. इनकम होने से पहले अगर इग्नोर कर देते हो एग्जेम्पशन. इनकम कंप्यूट करने के बाद कुछ माइनस करते हो तो डिडक्शन. इनकम कंप्यूट करने के बाद, डिडक्शन माइनस करने के बाद, टैक्स कंप्यूट करने के बाद कुछ अगर माइनस करते हो दैट इज रिबेट. क्लियर? यस सर. बिफोर इनकम कंप्यूटेशन एग्जेम्पशन, आफ्टर इनकम कंप्यूटेशन डिडक्शन, आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन रिबेट. ज्यादा हो नहीं हो जाएगा? बिफोर इनकम एग्जेम्पशन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम डिडक्शन computation
टैक्स उसके लिए होगा रिबेट। आई थिंक क्लियर आएगा? यस सर। यस सर। आई थिंक ये और सवाल इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, मैंने स्टेज दिखा दिया। इनकम जनरेशन से पहले एग्जेम्पशन का सवाल आता है, इनकम कंप्यूट करने के टाइम डिडक्शन का सवाल आता है, और टैक्स कंप्यूटेशन के टाइम रिबेट का मैटर आता है। क्लियर बेटा? यस सर। चलिए बस, आपको अगर याद है तो मैं आप लोगों को और एक चीज दिखाता हूं। स्लैब आपको याद है, इनकम टैक्स स्लैब? यस सर। मैं उसका छोटा रेफरेंस लूंगा, इनकम टैक्स स्लैब। ये पूरा ही इंडिविजुअल का है तो इंडिविजुअल का ही रेफरेंस लूंगा। याद करो, मैं भी भूल गया। अप टू रुपीज 2,50,000, 2,50,000 नील, नील 2,50,000 टू 5,00,000 5%। फाइव लाख टू 10,00,000 20% 10,00,000 अबाउट 30% 30% सीनियर सिटीजन 2,00,000 नील। और अगर आपको याद है, सुपर सीनियर सिटीजन 2,05,00,000 नील, नील। मुझे बोलिए तो बेटा, क्या सुपर सीनियर रिबेट मिल सकता है? उसको तो पूरा ही छूट मिला है सर, उसका तो पूरा ही छूट। और 5,00,000 के ऊपर हो जाएगा तो उसको तो ऐसे ही रिबेट नहीं मिलेगा। सो क्लियर, नॉर्मल इंडिविजुअल एंड सीनियर इंडिविजुअल को मिल सकता है, सुपर सीनियर इसके लिए मिल ही नहीं सकता। ठीक है, चलो सर। मैंने आप लोगों को दिमाग में क्रॉस करना चाहिए, आप लोगों ने सवाल किया नहीं, सर आप सरचार्ज और एडुकेशन से 4% क्यों नहीं लिए? भाई मैंने रिबेट कहां से माइनस करने के लिए बोला था सर? टैक्सेबल इनकम से। टैक्सेबल, एक थप्पड़ मारूंगा, इनकम टैक्सेबल से। टैक्स देंगे सर, अमाउंट से। टैक्स अमाउंट से, सरचार्ज से ऐड करने के बाद नहीं, जस्ट टैक्स अमाउंट, नॉट सरचार्ज एंड सेस इंक्लूड करके। और मेरे सिलेबस में सिर्फ इतना तक ही है, बिकॉज फिफ्थ सेमेस्टर में आप जब जाएंगे तब आपको पूरा कंप्यूटेशन आपके सामने आएगा, अभी आपके लिए पूरा कंप्यूटेशन अलाउ नहीं है। तो टैक्स जितना तक कंप्यूटर रिबेट बोला है मैं उतना तक ही कराऊंगा, उसके बाहर नहीं। क्लियर? तो क्या इतना ही था? एग्जैक्टली माई डियर, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। करें? यस सर। इलस्ट्रेशन, फर्स्ट कंप्यूट
टैक्स रिबेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-21-22 of Mr. Amit. Now, बार बार अमित नहीं लिखूंगा, मिस्टर चांद. One, two, three, four. Age 50, 58, 60, 61, 81. Salary age. 4 lakh. Gross total income 5 lakh, 6 lakh, 8 lakh. Deduction under section, deduction under chapter 6A. $10,000, 1 lakh. $3,50,000. बोलिए. पहले क्या करना है, मुझे टैक्स कंप्यूट करना है, यस और नो? यस सर. पहला काम होगा टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स कंप्यूट करो. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. One, two, three, four. GTI, gross total income. Kitna? Less. Deduction under chapter 6A. Bolo. 10,000, 1 lakh, 2 lakh 50, 2 lakh.
टोटल इनकम बोलो 1,90,000 5,90,000 1,55,000 इनकम टैक्स एलिजिबिलिटी ऑफ रिबेट बोलो होगा अलाउड यस सर यहां पर सही अलाउड यहां पर यहां भी होगा यहां पर हाँ नहीं होगा वाई 81 है सर सुपर हो गया सुपर सीनियर सीनियर सुपर सीनियर का तो ऐसे ही 5,00,000 तक छूट है वो टैक्स करके भी क्या होगा yeah. इनकम टैक्स बोलो अप टू रुपीज 2,50,000 बाद 3,00,000 ऐसा केस में भी नील देन 2,50,000 आई थिंक बोलना नहीं पड़ेगा 3,00,000 किसके लिए 2,50,000 10% यस और नो यस सर एकदम घटिया 5% सर एक का 5% है सर तो क्या होगा सर 2,50,000 का नील मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए नील सेकंड पार्ट के लिए बोलो 4,90,000 सर 12,000 4,90,000 माइनस 2,50,000 इनटू 5% Into 5%, how much? 12,000. Done? Yes, sir. Tax kitna? Tax 12,000. Yahan par nil. Iske baad 5,00,000 to 2,50,000. 10,000. 5-2 Sir. Yes or no? Yes, sir. Senior. Maharaj. Pehla wala ke liye nil. Dusre ke liye. Into 5%. Yes, sir. 7,500. Kitna? 7,500. Total tax? Rebate. Under section 87A. Lowest one. स्टैट्यूटरी लिमिट है 12,500 एक काम करते हैं जिंदगी बर्बाद करने वाला 100% ऑफ टैक्स स्टैट्यूटरी लिमिट रुपीज 12,500 क्लियर बेटा
यस सर। तो 12,000 एंड पूर बाबा 12,500। लोएस्ट कौन सा है? 12,000। दूसरा लोएस्ट कौन सा है? तो क्या लोएस्ट? तो दोनों ही तो सेम। यहाँ 7,500। Yes or no? Yes, sir. Tax income tax less rebate under section 87A. इसके ऊपर सरचार्ज एजुकेशन सेस कितना होगा? 500। नील 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 यस और नो? केतन प्रोबेबली क्लास में है ना? नहीं है सर। केतन दिमाग लगा कि कुछ देर बाद बोलेगा सर मैंने इसका आंसर एक समझ लिया, रिबेट जैसे ही होगा सर वो नील हो जाएगा। 250 माने अगर रिबेट एप्लीकेबल तो उसका नील हो जाएगा। देखिए ऑलवेज तो सर लोएस्ट अमाउंट ही जा रहा है तो ऑलवेज टैक्स पेबल ज्यादा लोएस्ट है तो टैक्स पेबल तो लोएस्ट हो जाएगा। तो बर्बाद करना है तो बर्बाद करेंगे, इसमें क्या स्पेशल है? जिंदगी अगर तुम लड़ा बर्बाद करना ही है तो करेंगे, कर देंगे, कर रहे हैं। कंप्यूट कीजिए इलास्ट्रेशन टू कंप्यूट द रिबेट। अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए ऑफ मिस्टर श्रीकांत एज कितना करूं? बुढ़ा करूं? चलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रुपीज 1,20,000 सैलरीज रुपीज 5,00,000 4,00,000 एलटीसीजी नाम जानते हो? एलटीसीजी क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग बट गोल्ड। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सोचो कितना डिले आप लोगों के लिए बास होगा। $1,30,000 सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम
एंड टैक्स। Previous year 2020-21 देखते हैं। Income from house property 1,20,000. Salaries, how much? 4,00,000. Capital gain, LTCG, GTI, प्रॉब्लम नहीं है तो ग्रॉस टोटल इनकम में? नो सर। नो सर, तो यस सर बोलो। 6,20,000 लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, वन लाख थर्टी फोर लाख नाइन्टी ये सब नो। Yes, sir. Total income 1,20,000 Tax on total income 8% ऐसा कोई इनकम है जिसका रेट अलग से होता है? यस, अगर आपको याद है मैंने क्लास में करा था लॉन्ग टर्म कैपिटल ऋण का रेट है टैक्स रेट 20%। यस सर नॉट नॉट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट होता है 20%, लॉटरी का टैक्स रेट होता है 30%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का रेट होता है 15%। याद करो स्पेशल रेट कितना, तो होल्ड स्पेशल रेट मतलब यहां पर किसके लिए है? LTCG कितना अमाउंट है? 1,00,000 टैक्स रेट कितना? 20% टैक्स कितना? 20,000 बी अदर इनकम कितना सर? 5,00,000 4,90,000 ये मिला के 3,90,000 यस और नो? मेरे तो टोटल इतना ही था। यस सर। तो टोटल इनकम 4,90,000 अदर इनकम का टैक्स लैब के क्या होगा? 2,50,000 नील यस और नो? यस सर। देन 3,90,000 माइनस 2,50,000 एट द रेट ऑफ 10% यस और नो? एग्री?
कितना आएगा स्ट्रेट वे में 3,90,000 माइनस 2,50,000 तो 10% क्यों 5% सब हा करके देख रहा था समझ में आया 7,000 यस और नो एग्री यस यस सर तो टोटल टैक्स कितना हुआ 27,000 यस और नो यस सर लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A लोएस्ट ए 100% ऑफ टैक्स 100% ऑफ टैक्स कितना 27,000 अच्छा नोट वहां पर मत लिखो 100% ऑफ टैक्स दैट इज 27,000 बी लिमिट 12,500 रिबेट कितना मिलेगा 12,500 टैक्स इनकम टैक्स लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A हाउ मच बेटा 14,500 क्लियर और नॉट सर 2,50,000 वाला समझ में नहीं आया इसको ना एकदम दो थप्पड़ मारना चाहिए पगला श्रीकांत को उम्र 30 इयर्स है तो उसका नॉर्मल स्लैब रेट क्या होता है हेलो सर 2,50,000 तो नॉर्मल स्लैब रेट नील है और 3,90,000 से 2,50,000 तुम नॉट अदर इनकम बाप रे बाप नॉर्मल स्लैब फिर से लिखना पड़ेगा नॉर्मल स्लैब काम करते हैं मुझे टेंशन हो रहा है तुम लोग डेंजरस हो डेंजरस नहीं सुपर डेंजरस हो बार बार नहीं कर मुझे ही कर दोगे रुपीज टैक्स रेट कैलकुलेशन टैक्स जैसा स्टूडेंट है ना सर आप ही को बर्बाद कर देगा चुप कर अपने लग रहा कुछ नहीं करता सर पैसा क्या मुंह देखने से मिलता है बिना काम के प्रॉब्लम होगा तभी तो बोलेगा सर नो सर सही है सर बहुत बोल रहा है सर आई चुका तुझको कौन बोलने बोला है हम लोग और सर के बीच का बात था आई तू चुप कर 1,20,000 स्लैब रेट बोल 2,50,000 अप टू रुपीज 2,50,000 पंकज को कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे छोड़ सिवाय नील 2,50,000 टू 5,00,000 पंकज क्लियर आप सर तो फर्स्ट पार्ट के लिए नील सेकंड पार्ट के लिए 3,19,000 और दैट इज 5% ओके यस सर 7,000 डन
क्लियर और नॉट? तो इसके साथ हम लोगों का और एक चैप्टर भी खत्म हो गया, एक क्लास में खत्म कर। यस, ये एक चैप्टर था टैक्स रिबेट। ये रिबेट एक चैप्टर है, एक चैप्टर है। क्या सोच के बनाया था? पांच नंबर देगा इसलिए। तब ठीक है, तब ठीक है सर, बहुत अच्छे है ये, एकदम सॉलिड है। ऐसा पांच छह और बनाना चाहिए। हाँ, फोकट में नंबर मिलेगा। डन। पंकज तू मच खुश हो? यस सर, एकदम सर। छोटा, चलो रिबेट 87A। और सर क्लबिंग वो भी क्लबिंग खत्म। जितना लेवल है उससे ज्यादा खाद खिला दिया है यार, का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है सर। अब्दुल यस सर, सर चैप्टर 6 के क्या है सर? हाँ चैप्टर 6 ए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा अब्दुल, मुझे 5 दिन दे। ओके सर, 5 दिन के बाद मैं रट्टा मार के तुझको समझा दूंगा। 5 दिन, सिर्फ ये सवाल 5 दिन करके होल्ड करके रहा। ओके ओके, चल बोली देता हूँ एक लाइन, नहीं तो अब्दुल का दिमाग मन दुख हो जाएगा। बहुत सारे जगह में डिडक्शन मिलता है, डोनेशन के लिए, प्रोविडेंट फंड में जमा करने के लिए। मैंने सैलरी में एक जगह लिखा था ना, ATC प्रोविडेंट फंड में, देखना एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ATC इसका पार्ट है, उसको ही एक ही नाम पे डाला जाता है, जैसे चैप्टर 6 से। इनकम टैक्स का चैप्टर में पूरा एक्ट का तो डिफरेंट चैप्टर होता है, उसमें एक चैप्टर जहां पर डिडक्शन रहता है उसका नाम है 6, उसमें जहां पर 86C, 80D ये सब का डिडक्शन रहता है उसका नाम है 6A, इसलिए 6A। ठीक है सर, ये रिबेट कैसे इंडिविजुअल, और कोई एसएससी को नहीं? सॉरी ना, नहीं मिलेगा सिर्फ इंडिविजुअल। रेडी टाटा, अब अटेंडेंस रिकॉर्डिंग।